I gave you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, आज सब ठीक ठाक है ना? आप लोग हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके पहले हम लोग सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक पढ़े हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 100% यानी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है। 100% सी प्लस प्लस भी नहीं कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बिना क्लास के, विदाउट क्लास आप प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में आप, सी प्लस प्लस को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है, लेकिन सी प्लस प्लस में आप बिना क्लास क्रिएट किए हुए आप प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जावा में बिना क्लास क्रिएट किए हुए प्रोग्राम आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है जावा इज अ हाई लेवल सिक्योर्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ रोबस्ट सिक्योर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का टॉपिक है जावा। जावा 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 को डेवलप किए थे जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग 1991 में, 1991 ईस्वी में वो अपना शुरुआत किए कि कुछ ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जिसके द्वारा सेटअप बॉक्सेज, टेलीविजन कंट्रोल किया जाए। यानी कि स्टार्टिंग में टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए, सेटअप बॉक्सेज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, जेम्स गॉसलिंग ने जावा को डेवलप किया। तो वो शुरुआत किया 1991 में, लेकिन 1995 ईस्वी में जावा का पहला वर्जन उन्होंने डेवलप किया जेम्स गॉसलिंग साहब ने। जेम्स गॉसलिंग सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी था, उस कंपनी का ये इंजीनियर थे। एक कुछ इंजीनियर्स मिल करके एक टीम बनाया था, और उस टीम से एक ये थे जेम्स गॉसलिंग, जो कि 1995 ईस्वी में जावा को डेवलप किए थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। यानी कि जावा जो है सी प्लस प्लस के बेस पर, सी और सी प्लस प्लस के बेस पर जेम्स गॉसलिंग साहब 1995 में, यानी कि 1995 ईस्वी में जावा को डेवलप किए। उस समय 1995 ईस्वी में जब डेवलप हुआ था, उस समय इतना एडवांस नहीं था कि सेटअप बॉक्सेज, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, मोबाइल प्रोग्रामिंग, ये सब प्रोग्रामिंग किया जाए। ये सब प्रोग्रामिंग करने के लिए जावा को बनाया गया। सी प्लस प्लस में, विजुअल बेसिक में वो फैसिलिटी नहीं था जिसमें जावा में पाया गया। और बाद में बनाने के बाद, बाद में जावा में सॉकेट प्रोग्रामिंग, थ्रेड प्रोग्रामिंग, एक से एक प्रोग्रामिंग जावा में हुआ। और आज के दौर में जावा सभी लैंग्वेज से हाई डिमांड में है, और आपको वादा करते हैं कि अगर जावा अच्छा से अगर पढ़िएगा, पूरा मेरा वीडियो देखिएगा, तो आप लोग इसमें 100% कह रहे हैं कि जावा पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को जॉब मिलेगा। कहीं पर भी रहिए, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जावा में एक से एक सॉफ्टवेयर बनेगा, एक से एक जीयूआई प्रोग्रामिंग होगा, वे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सी और सी प्लस प्लस में पॉसिबल नहीं है, वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जावा ही एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें पहले बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सी, सी प्लस प्लस में कंपाइलर जो है हाई लेवल से लो लेवल, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म करता है, लेकिन जावा क्या करता है, जावा
जो प्लेटफॉर्म है वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और तब बाइट कोड से बीट कोड में कन्वर्ट करता है, वो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग किया जाता है, थ्रेड प्रोग्रामिंग किया जाता है, एक से एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग, GUI प्रोग्रामिंग हम लोग जावा में करते हैं। यह है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, कैसे जावा को डेवलप किया गया, और इसको पूरा देखिएगा आप लोग, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।